हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। कि आज के इस वीडियो में हम रियलमी 8 वर्सेस पोको एक्स फोर प्रो 5G के बीच में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे G95 वर्सेस स्नैपड्रैगन का 695 होने वाला है। तो गाइस देखेंगे फ्री फायर में कैसा परफॉर्मेंस होता है, बैटरी रन कैसा रहता है, हीटिंग किसमें ज़्यादा होती है, तो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों देखिए वीडियो को एंड तक, एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर को मेज़र कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी 39 पे है, एंड गाइस अभी हम प्ले करेंगे रियलमी 8 4G में, उसके बाद हम प्ले करेंगे पोको एक्स फोर प्रो में। बाकी यहाँ पे सभी सेटिंग्स को फुल्ली मैक्स कर दिया, टाइम देख सकते हैं 10:31 हो रहा है, एंड बैटरी परसेंटेज 72 पे है गाइस। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बिका, अभी तो भाई सेल पे भी नहीं आ रहा है, एंड अभी गाइस ये बाय करने लायक भी नहीं है। मैं बताऊंगा बेसिकली क्यों, और ये अभी आपको मतलब फ्लिपकार्ट पे देखने को भी नहीं मिलेगा अच्छे प्राइस में, ओवर प्राइस ही देखने को मिलेगा अगर अवेलेबल होगा भी तब भी। तो गाइस यहाँ पे इसका जो अपडेट आया ना रियलमी वाई 3 का, उसके बाद से गाइस यहाँ पे हीटिंग इशू भी आ चुका है। बेसिकली मतलब गेम खेलते जाइए और कुछ देर प्ले करने के बाद ये आपको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, एंड गेम से आपको ये बाहर फेंक देता है। जैसे कि रियलमी नार्जो 30 में ये इशू है ना, सेम वैसा ही, बट पहले इसमें नहीं था, आफ्टर अपडेट जब हुआ ना उसके बाद से ये इसमें इशू ऐड हो गया। तो ये सबसे बड़ी इसकी दिक्कत देखने को मिल जाती है भाई। गाइस यहाँ पे मतलब ये फ़ोन काफ़ी सही देखने को मिलता था। यहाँ पे स्पीकर इसके सिंगल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाउड है, एंड चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एंड गाइस सबसे मस्त तो भाई प्राइस में काफ़ी कम माल के प्राइस में मिलता था ये, मतलब क्या ही बताया जाए भाई। 15,000 में इसको हमने आई थिंक बाय किया था। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही गाइस यहाँ पे डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट भी। तो ये सारे फीचर्स इसको काफ़ी कम माल का बना देते थे बेसिकली कहा जाए तो। लेकिन गाइस वही अपडेट के बाद से इसमें इशू आ गया, एंड जो लोग यूज़ कर रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहा होगा, बाद में अपडेट के बाद का कुछ पता नहीं, अपडेट के तो भाई इशू आया है ये मैं इतना बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात रही गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी से कोई भी रिलेटेड आपको इशू देखने को नहीं मिलती है। टच रिस्पॉन्स भी मस्त प्रोवाइड करता है, एंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ओवरऑल अच्छा लगा था। रियलमी नार्जो 50 का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, नार्जो 30 का भी मुझे इशू देखने को मिला था, वहाँ पे टच इशू देखने को मिले थे नार्जो 30 में। शुरू में ये मैंने बाय किया था तभी देखने को मिला था, और वहाँ पे अभी भी वैसा ही कुछ इशू है, वो अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मुझे इशू देखने को नहीं मिला था, एंड यहाँ पे FPS भी काफ़ी मस्त प्रोवाइड कर देता है। नार्जो 50 में भाई FPS ही प्रोवाइड नहीं करता है। बाकी नार्जो 50 से भी कंपैरिजन वीडियो आएगी तो उसका आप दोस्त वेट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे रियलमी 8 काफ़ी अच्छा फ़ोन था, और अभी अपडेट के बाद थोड़ा इशू आ गया, नहीं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट था, और जो लोग बाय किए होंगे उनको तो भाई अच्छा ही लगा होगा। बाकी दोस्त यहाँ पर हमने प्ले कर लिया है, देख सकते हैं अभी टेम्परेचर यहाँ पे 44 मैक्स गया है। तो वही दिक्कत है भाई, थोड़ा सा ये ज़्यादा हीट होता है अगर कंपेयर कीजिएगा अदर फोन से। तो बाकी पोको एक्स फोर प्रो का भी आपको दिखाएंगे तो पता चल ही जाएगा। अभी गाइज इस फ़ोन में बस यही एक इशू देखने को मिल जाता है जो कि गाइज हीटिंग का है, नहीं तो और सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं। बाकी यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 10:51 हो चुका है, एंड 20 मिनट में ये 8% डिक्रीज़ किया है, और जब पहले हम टेस्ट करते थे तो वहाँ पे आधे घंटे प्ले करने पे 8% डिक्रीज़ करता था। लेकिन अभी यहाँ पे बैटरी ड्रेन का भी इशू एक देखने को मिल जाता है। अब दोस्त यहाँ पे हम प्ले करेंगे पोको एक्स फोर प्रो में, उससे पहले टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं फ़ोन 35 पे है, बाकी प्ले करने के बाद देखेंगे कि कितना तक जाता है एंड बैटरी रन कितना होता है। बाकी हमारे पास येलो कलर है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं सभी सेटिंग्स को हम फुल्ली मैक्स पे कर दिए हैं, हाई FPS शैडो अल्ट्रा मतलब मैक्स जो सेटिंग देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे 12:26 हो रहा है, एंड बैटरी परसेंटेज 75 पे है, तो देखेंगे इसे कितना ड्रेन करता है। तो दोस्त इस फ़ोन के बारे में बात करें तो मैंने जब इसमें शुरू में टेस्ट किया था, अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने बताया कि जब मैं इसमें गेम प्ले कर रहा था तो मुझे इशू देखने को मिली थी। लाइक कैसा इशू, तो गाइस वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने को मिलता था, मतलब बंदे को मैं किल करता था तो वहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लगता था कि फ्रेम ड्रॉप कर रहा है,
लैग टाइप जैसा फील हो रहा था। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी इसको मैं काफ़ी टेस्ट कर लिया हूँ एंड काफ़ी प्ले भी कर लिया हूँ। अब गाइस वो मतलब जो मुझे फेस हुआ था फर्स्ट टाइम में, उसके बाद से गाइस अभी तक मुझे इसमें अब वो फेस नहीं हो रहा है। तो अभी गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चल रहा है एंड उस टाइम मैंने बोला भी था अनबॉक्सिंग में कि आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये उतना ज़्यादा स्मूथ आपको परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। लेकिन गाइस मैं अभी बोल सकता हूँ कि गाइस अभी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे रहा है, यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। मतलब जब जैसा फील होगा वैसा ही गाइस मैं क्लियरली बता देता हूँ, तो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है बेसिकली, और जो भी होगा वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही। सो यहाँ पे गाइस बात कर ले गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी काफ़ी मस्त देखने को मिल जाती है एंड गाइस सेंसिटिविटी कम भी फील होगी तो इसमें जो गेम टर्बो देखने को मिलता है उसके हेल्प से आप इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, टच रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सबसे कमाल की मुझे फीचर लगी। बाकी यहाँ पे डुअल स्पीकर भाई कमाल का है, हैप्टिक फीडबैक मस्त है एंड FPS भी काफ़ी कमाल का प्रोवाइड कर देता है, आपको कभी भी फील नहीं होगा कि ये कम FPS प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन सही लग रहा है अभी तो। मतलब फर्स्ट टाइम में मुझे जिटर्स मिले थे तो मैं वहाँ पे बताया था कि क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है, लेकिन अभी गाइस ये वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। यहाँ पे आपको 695 प्रोसेसर मैंने पहले भी टेस्ट किया था मोटोरोला के फ़ोन में और वहाँ पे भी गाइस मतलब फ्री फायर में मस्त एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन BGMI में रिकॉर्डिंग करने पर वहाँ पर देखने को दिक्कत मिल जाती थी। बाकी इसमें भी आपको BGMI टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन फ्री फायर अभी मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस तो अभी अच्छा चल जा रहा है, यहाँ पे कोई लैग वैग देखने को नहीं मिल रहा है एंड काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस रहा है भाई। हेडशॉट भी लग रहे हैं भाई, मैं तो मतलब प्रो प्लेयर हूँ नहीं बट इसमें पता नहीं कैसे गाइस हेडशॉट भी मार दे रहा हूँ एक दो। तो अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी तक मेरा रहा और कोई लैग स्टार्टर्स बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रहे हैं दोस्त। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अभी टेम्परेचर कितना गया है, सो देख सकते हैं 40। सो गाइस यहाँ पे मतलब 40 के अप्रॉक्स ही रहता है, बाई चांस आप खूब प्ले कर लीजिएगा तो वहाँ पे 42 मैक्स जा सकता है। बाकी टाइम देख सकते हैं 12:38 हो रहा है एंड यहाँ पे गाइस 12 मिनट में 3% डिक्रीज़ किया है, तो कहीं ना कहीं रियलमी 8 से ये बैटरी को कम ड्रेन करता है एंड उससे आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देता है एंड परफॉर्मेंस में गाइस मैं कहूँगा कि दोनों एग्जैक्टली सिमिलर प्रोवाइड करते हैं FPS वगैरह, लेकिन वही बात है कि हीटिंग आपको थोड़ा ज़्यादा फील होगा रियलमी में एंड बैटरी ड्रेन भी ज़्यादा फील होगा, लेकिन पोको X4 में 4 Pro में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।